किसानों के लंबे विरोध के बाद आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार किसानों के आगे झुक गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बीजेपी किसानों को कृषि कानूनों को समझाने में असमर्थ रही है। कृषि कानून वापस होने के बाद काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने इसे भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जीत बताया है। देश के अन्नदाता ने आज दिखा दिया है कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को नीलने का काम किया, जो किसानों के साथ अहित करने का काम कर रहे थे, आज उनकी जो वापसी हुई है ये अन्नदाताओं की जीत है। और साथ में ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है, उस दोषियों के खिलाफ है जो किसान के साथ काजी सजना चाह रहे थे। और वो दोषी जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि किसान क्या चाहते और सिर्फ काले कानून थोपने का काम किया। मेरा सवाल है देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी से, क्या ये बात समझने में 350 दिन से ज्यादा लग गए? 600 किसानों की हत्या के बाद आपको समझ में आई कि ये काले कानून गलत है? पहले दिन से अन्नदाता कह रहा था, पूरा देश का विपक्ष कह रहा था और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार आपको चेता रहे थे, उसके बावजूद जिस तानाशाही तरीके से आप काम कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इस देश की सरकार की अदूरदर्शिता का निर्णय है। कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, देव दीपावली के और कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर देश को संबोधित किया। सबसे पहले गुरु नानक देव जयंती पर, प्रकाश पर्व पर आप सब देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। प्रधानमंत्री जी ने आज किसानों के हित में जो भारत सरकार ने काम किया है वो भारत के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया था। 80% से ज़्यादा किसान छोटे हैं जो 5 एकड़ से नीचे, उनके लिए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसान कल्याण निधि देकर 10,000 रुपये साल का दे रहे हैं, उसके कारण उनको संबल मिला है। साथ ही 1,00,000 करोड़ रुपये कृषि उत्पादक समूह के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। 1,64,000 करोड़ रुपये किसान सम्मान निधि में अभी तक करोड़ों किसानों के खातों में राशि दे चुके हैं। फसल बीमा योजना को सरल बनाया गया है, उसका विस्तार किया गया है। किसान को हर तरह से उनकी उत्पादन बढ़े, लागत कम हो, किसान की खेती घाटे के धंधे से उभर कर लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो, इसके लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के नेतृत्व में कार्य किया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।